यदि हम लोग इसकी मूवी की रैंकिंग करें कि 50 में से अगर रैंक देना चाहे तो 10/10 फॉर डायरेक्शन। नमस्कार, मेरे हिसाब से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमल। मैं जब छोटा था तब बहुत सारी स्टेट लेवल लैंग्वेजेस मूवीज यानी स्पेशली गुजराती मूवीज देखा करता था, और नॉर्मल मूवीज ऐसी होती थी कि भगवान से रिलेटेड स्टोरीज होती थी। हालांकि बोल सकते हैं कि भाई अंजाम यानी जो एंड बहुत ही एक अच्छा होता था, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता था कि अगर आप बुरा करोगे तो आपका अंजाम भी बुरा होगा। बट फिलहाल कुछ सालों से गुजराती मूवीज में इतने सारे चेंजेस आए हैं कि स्टोरीज इतनी अच्छी बनने लगी है, डायरेक्शन इतना अच्छा होने लगा है कि कितनी सारी ऐसी मूवीज है जो बॉलीवुड को भी टक्कर दे सकती है। आज हमारे जामनगर में एक ऐसी ही मूवी का प्रीमियर होने वाला है और मूवी का नाम है वनीला आइसक्रीम। उनके डायरेक्टर मिस्टर प्रीत आज मेरे साथ है, तो आइए उनसे बात करते हैं। मिस्टर प्रीत, हाउ आर यू? वेलकम टू मेरे हिसाब से एंड वेलकम टू जामनगर। थैंक यू सो मच सर। सर, जो मैंने बताया जैसे पहले मूवीज गुजराती मूवीज ऐसी बनती थी, आजकल डायरेक्शन एंड कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो चुका है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हैज इट रियली चेंज्ड? हाँ, बिकॉज कैसा है कि न्यू जनरेशन धीरे धीरे इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो रही है, और पहले जैसे सिनेमा को एक सीरियस के करियर के हिसाब से देखा नहीं जाता था। मतलब जो फैमिली बिजनेस चल रहा है उसी के हिसाब से उसको देखा जाता था, जो सिनेमा से रिलेटेड है वही लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते थे। आजकल क्या है, फिल्म स्कूल इतनी खुल चुकी है, वर्ल्ड सिनेमा तुम्हारे तक पहुँच चुका है। सो फिल्मेकर लाइक मी, मैंने कहीं से फिल्म सीखा नहीं, मैंने कोई फिल्म स्कूल से एजुकेशन नहीं लिया हुआ है, मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया है, पर वर्ल्ड सिनेमा मेरे तक पहुंची है। उसका सबसे बड़ा शहर जाता है मेरे माँ बाप को जाता है, क्योंकि घर से अगर उनको ऐसा एटमोसफियर मिलता है जहाँ पे तुमको तुम्हारा काम करने का हक मिले, तुम्हारा बचपन इतना फ्रूटफुल और इतना वेलकमिंग हो जहाँ पे तुमको किसी चीज़ के बारे में रोका ना जाए, तो वो आपके रियलिटी में, आपके प्रेजेंट में बहुत उसका इम्पेक्ट गिरता है। और आपके कमिंग टू द क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी, तो यस डेफिनेटली अभी जो भी यंग फिल्म मेकर्स गुजराती इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिजिटल से लेके बोल सकते हो आप, कलर ग्रेडिंग से लेके, इक्विपमेंट से लेके, एक्टिंग की थ्योरीज चेंज हो चुकी है। तो वी आर डेफिनेटली सीइंग अ न्यू वे ऑफ सिनेमा, न्यू जनरेशन गुजराती सिनेमा, एंड लाइकली वी ऑलरेडी मेंशन दैट इट्स अर्बन सिनेमा, अर्बन गुजराती दौर चालू थी गई है। वनीला आइसक्रीम के प्रीमियर शो में मैं कमल और इस भौतिक देखते हैं कैसा मूवी है, बोल रहे हैं फैमिली स्टोरी है, तीन जनरेशन के ऊपर, रिव्यूज बाद में देंगे। सर, व्हाट अबाउट हाउ अबाउट द नेम वनीला आइसक्रीम, ये कहाँ से आया? हाँ, सो कोई भी मेरी पर्टिकुलर सिनेमा में आई प्रीफर के वन लाइनर, वन वर्ड ही रहे। ओके, नाम वन लाइनर, वन लाइनर। और ज़्यादातर मैं खाने के नाम के साथ इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि वो बहुत कॉमन फीलिंग है। ओके, राइट। इट्स लाइक दैट कि अगर आपका मूड अच्छा है तो
तो आपके साथ आपका फेवरेट चीज मंगाया जाए, तो मेरा फेवरेट वैनिला आइसक्रीम, ओके, तो मैंने ऑर्डर किया फॉर एग्जांपल, अगर आपका मूड अच्छा नहीं, लेंगे आपकी फेवरेट चीज आपके सामने रखी जाए, मूड अच्छा हो जाएगा, एंड आपका मूड अच्छा नहीं है और ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, अगर उसको सामने रखा जाए तो वही आइसक्रीम वही टेस्ट आपको मूड नहीं देती है। सो फिल्म के अंदर दर्जे तीन अलग अलग टाइप के इंसिडेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे सेम आइसक्रीम सेम लोगों को अलग अलग फ्लेवर्स देती है। सो सर, प्रीमियर से पहले थोड़ा स्टोरी एक वन लाइनर में आप बताना चाहेंगे या प्रीमियर के बाद हम लोग जितना ज़्यादा आप फिल्म देखने के बाद उसको लेना चाहो तो ज़्यादा अच्छा ही, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि सर इट्स अ फैमिली ड्रामा, ओके, इट्स अबाउट एक घर में तीन जनरेशन रहती है, दादाजी, मॉम, डैड एंड हस्बैंड एंड वाइफ। सो तीन जनरेशन के अपने थॉट का, अपने विचारों का संघर्ष नहीं है, अपने विचारों को अपने तरह से रखने की बात है वनीला इसमें। सर हाउ अबाउट डायरेक्शन, आप डायरेक्शन में ही जाना चाहते थे या एक्टिंग वगैरह कुछ करना चाहते थे? ऐसे बहुत ही फेमस डायरेक्टर ने बोला गया है कि हर एक डायरेक्टर एक अच्छा एक्टर तो होता ही है। श्योर, इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैंने अपनी दायरा कैमरा के पीछे रखना पसंद किया है। सो मैं कभी भी, मैंने कभी सोचा भी नहीं मैं एक्टर बनूंगा, बट हालांकि एक्टर से एक्टिंग निकालना भी एक अपने आप में एक्टिंग आर्ट ही है सर, और हम सब एक्टर्स हैं, जस्ट लाइक दैट कि हम लोगों को उसका पेमेंट मिलता है। ओके, वाओ, ग्रेट। सो दिस वाज मिस्टर प्रीत, बाकी का शायद हम लोग एक बार प्रीमियर देखने के बाद, मूवी देखने के बाद अपना ओपिनियन एज वेल एज पब्लिक पोल भी लेंगे। सो सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड होप योर मूवी डज वेरी वेल एंड आप कुछ अच्छी और न्यू स्टोरीज के साथ हमें एंटरटेनमेंट करें सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। જનરેશન જેના ઘરમાં પણ ફેમિલી ઇશ્યુઝ હોય કે ગમે તે કાંઈ હોય તો એને આ સમજવા જેવા મૂવી છે અને આ ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડને સારો ઇમ્પેક્ટ પડે છે। तो डू यू स्टे इन जॉइंट फैमिली, तुम जॉइंट फैमिली में रहो छो? यस, वी स्टे इन जॉइंट फैमिली। कौन कौन से घर में फैमिली में? मां, मामा, पापा, हूं, मां काका, काकी, माय बहन, मां दादा, दादी। बड़ा मूवी जोवा आयो छो? मां दादा से मां बड़ा मूवी जोवा आयो छो। गुड। सो एक मैंने को छोटो को समझ सके कि भाई देयर इज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न, सो इट्स अ रियली रियली गुड मूवी। आप सबको आके ये मूवी देखना चाहिए। और मेरे साथ है एक आज के जो मूवी है जिसका हम प्रीमियर हम लोग देखने जा रहे हैं, वेनिला आइसक्रीम, मिस्टर भट्ट जी, राइट? सतीश भट्ट, मिस्टर सतीश भट्ट, एक सीनियर एक्टर है, काफ़ी सारे मूवीज में आपने इनको देखा होगा, काफ़ी सारे, आई थिंक सो आप थिएटर भी करते थे सर? हाँ, बहुत। राइट सर, सो आज इनका प्रीमियर होने वाला है आयोनिक्स जामनगर में, तो आइए सतीश जी से बात करते हैं। सतीश जी, आपने ये फिल्म कैसे सिलेक्ट की, आप तक कैसे पहुँची? पहले तो बात यह है कि जब मैंने सुना उसके बारे में, डायरेक्टर साहब ने मुझे आखिर पूरी स्टोरी सुना दी, बराबर है, प्रीत सिंह ने वो पूरी स्टोरी सुनाई, उसमें मैंने देखा कि अपना जो फैमिली होता है, अपना फैमिली में क्या है, सब बैठते हैं एक साथ शाम को जब खाने पे, तो क्या एक दूसरे बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते उसमें कई बार ऐसा होता है कि अपना बच्चा कोई बोल जाता है, हम कुछ कहते हैं, वो कुछ कहता है, उसमें थोड़ी 19-20 हो जाती है। राइट, 10/10 फॉर स्टोरी राइटिंग, स्टोरी इज रियली फैंटास्टिक, 10/10 फॉर एक्टिंग, सिर्फ 6 ही जनों में मूवी पूरी कर दी है, बट फैंटास्टिक एक्टिंग फ्रॉम बाय ऑल द एक्टर्स। तो जो 19-20 हो जाती है उसको कैसे सुलझाया जाए, उसमें उसका निचोड़ कैसे दिया जाए, वो दिया है उसमें। ओके, सो बेसिकली इट्स अ फैमिली स्टोरी, अलग अलग जनरेशंस को दिखाया गया है, तीन जनरेशन है, थ्री जनरेशंस। ओके, जो सबसे पहली पुरानी जनरेशन मैं हूँ, यानी कि मैंने दादाजी का रोल किया है। फाइन, ग्रेट। तो मैं दादाजी के रूप में हूँ, मेरा बच्चा है, उसकी बीवी है, ओके, यानी कि जो हीरो हीरोइन है, सेकंड जनरेशन, फादर मदर है, राइट,
और मैं हूँ दादाजी। दादाजी ओके। तो उसमें क्या होता है कि फादर और बच्चे के बीच में या सासू बहू के बीच में जो कुछ होता है राइट, और दादाजी सुनते रहते हैं। ओके। दादाजी इज न्यूट्रल बिकॉज व्हाई ही कुड नॉट गो ऑन दिस साइड एज दिस साइड और दिस साइड राइट सर। सो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये गुजराती हम लोग हमेशा से जॉइंट फैमिली में रहना प्रेफर करते हैं। या सो ये हम गुजराती इसको कनेक्ट करें ऐसी स्टोरीज होगी, हर एक घर की स्टोरी होगी। हाँ, घर की स्टोरी। एक बात बताऊं मैं, जब परिवार नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। राइट सर। ये बहुत बड़ी बात। परिवार सबके साथ में होता है। राइट। और घर कब बनता है कि परिवार जब मकान में रहता है तो ही वो घर कहलाता है। राइट सर। आपको मूवी के बारे में पूछ रहे कि आपको कैसा लगा अब तक? फैमिली टाइप पे अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे मूवीज बनने चाहिए? बनना चाहिए, जरूरी है। और बच्चों को भी दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए। ओके राइट। सो अगेन 10/10 कि ये मूवी फैमिली मूवी है और रियली गुड मूवी, सबको फैमिली के साथ देखना चाहिए। देखना चाहिए पूरे फैमिली के साथ। पूरे फैमिली को ये मूवी देखना चाहिए। अगर रेटिंग दे हम लोग अगर 1 to 10 तो आप कितना रेट करेंगे ये मूवी को? 10/10 यस। सो इट्स 10/10 मूवी भी है और एंटरटेनिंग भी है। अच्छा है, कॉमेडी है, एंटरटेनिंग है, इमोशनल सब है, फुल 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 फ्लैज फैमिली मूवी। एंड ऑडियंस ओपिनियन इज कि भाई 10/10 आपको ये मूवी थिएटर में आके देखना चाहिए। इट्स वर्थ वॉचिंग। Thank you. Entertainment 10/10 Please. આ પિક્ચરમાં ખરેખર જે સંયુક્ત પરિવારમાં બધાની જે સમસ્યાઓ છે જેને બતાવવામાં આવી છે અને આ પિક્ચર જોઈને બધા જે સંયુક્ત પરિવારથી વિખૂટા પડી અને અલગ રહેવાની જે ભાવના છે ને એની સાથે આ પિક્ચર જોઈને બધાને સંયુક્ત પરિવારમાં રહેવાનો એક નવો મેસેજ મળશે એટલે ખૂબ જ સારું આમાં આ પિક્ચર દ્વારા મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે હું તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું રિયલ લાઈફમાં ઉસકી સ્ટોરીઝ દિખાય છે જો કે આજકલ સભી ઘરોમાં એસા ચાલ રહા હૈ। તમને બીજી એક વાત કહી દઉં કે આ મૂવી બનાવવા પાછળ 300 લોકો હોય છે અને આ 300માંથી 95% લોકો 35 વર્ષથી નીચેના છે। એમાં પ્રોડ્યુસર્સ, ડાયરેક્ટર્સ, ડીઓપી અને બધી જ ટેકનિકલ ટીમ અને અમારા સપોર્ટ કરતા આગેવાનો બી આ યંગ એજના છે। તો આવા લોકો બી છે કે જે સમાજને એક મેસેજ આપવા માટે અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે કે પરિવાર તો સંપૂર્ણ જ રહેવો જોઈએ। બસ આ પિક્ચર એટલે એક દાદાજી તરીકે વાત કરું તો આ પિક્ચરે જે મેસેજ આપ્યો છે કે ઘર કોઈ તૂટવું ના જોઈએ અને ઘર તૂટે નહીં અને ઘરમાં બધા ભેગા થઈ હળીમળીને રહે તો રોજ વેનીલા આઈસ્ક્રીમનું ફેમિલી પેક ખાવા મળે, પેલા કપ ખાવા ના પડે। વરના જો જિસમે પરિવાર નહીં હોય, જો અલગ અલગ હૈ વો એક સાથ નહીં રહેતે વો ખાલી મકાન બોલા જાતા હૈ, ઉસમે સંવેદના ના હો, ઉસમે પ્રેમ ના હો, ઉસમે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ જૈસી મીઠાશ ના હો તો ક્યા વો ઘર નહીં રહેતા, વો મકાન બન જાતા હૈ। બહુ ખૂબ કહા સતીશજી ને કે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ જૈસી મીઠાશ ના હો તો યહાં સે યે નામ મિલા હૈ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ। એક ઘર કી સ્ટોરી હૈ જો હમ સબસે રિલેટ કરેગી, હમારે ઘર કી હી શાયદ સ્ટોરી હો સકતી હૈ ઓર શાયદ જ્યાદા બાત કરેંગે હમ વાપસ સે સતીશજી કે સાથ એક બાર હમ લોગ પ્રીમિયર દેખ લે, એક શો દેખ લે, उसके बारे में ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन भी ले ले और फिर शायद वापस से रात को एक बार हम आपसे वापस से बात करेंगे। नो प्रॉब्लम, व्हेनेवर यू आर। थैंक यू वेरी मच सतीश जी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इससे भी अच्छे मूवीज हमारे लिए लेके आए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। एंड ये पिक्चर देखना भूलना मत, अगर परिवार को संभालना है तो ये देखना जरूरी है। सर हमारे चैनल का नाम ही है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से मैं बहुत बोलूंगा कि एक बार अगर यदि ये फैमिली स्टोरी है, मेरे हिसाब से नहीं सबके हिसाब से जो परिवार रखना है तो ये पिक्चर देखना जरूरी है। वेनिला आइसक्रीम में जाओ देखो और बाद में बोलो कि परिवार रखना है कि नहीं। पकड़ के रखती है मूवी एंड सीख जो मैसेज पास ऑन होना है इट्स लाउड एंड क्लियर। So 10/10 for that also.
So 50 on 50 for this movie.